बात है। इंशाल्लाह जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें ये सिंबल जो है बल्ले का वो पीटीआई का ही होगा। नेक्स्ट डेट जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसकी वैलिडिटी को देखने के लिए, उसकी लीगैलिटी के वो कानून के मुताबिक हैं कि नहीं, उसके लिए तारीख 30 तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो ये उसकी समाअत चलेगी। लेकिन जहाँ तक ये नोटिस है वो आज खारिज हो गया। इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, अपनी आइन में तरमीम कर दी, इसलिए आपको हम इलेक्शन सिंबल जो बल्ला है वो नहीं देंगे। ये बड़ा अहम केस था क्योंकि जब से पीटीआई बनी है इलेक्शन सिंबल हमारा बैट जो है बल्ला वो इलेक्शन सिंबल पीटीआई का है और उसी से पीटीआई की शिनाख्त होती है जब इलेक्शंस आते हैं। तो आज ये शो कॉज नोटिस की जब समाप्त हुई इस नोटिस की, तो हमने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमने जो इलेक्शंस इंट्रा पार्टी हैं वो जून 2022 में करा दिए थे, अपने 2019 के आइन के तहत कराए थे, और जो इलेक्शन है उसको हमने विड्रॉ नहीं किया। एक स्टेटमेंट दी थी हमने कि 2022 वाली जो आइन है उसमें कुछ तरामीम जो हैं उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन और जो 2019 की आइन है उसकी अमेंडमेंट को कभी विड्रॉ नहीं किया, ना हम कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना ऑर्डर था इसके बेसिस पे विड्रॉ कर लिया, नोटिस जो था उसको विड्रॉ कर लिया, ये कह के कि हमारा बयान नोट कर लेंगे एफिडेविट में जिसमें हमने ये कहा है कि हमने इलेक्शन करा लिए हैं और नोटिस इस तरह आज के बाद खारिज है। तो ये अच्छी खुशाइन बात है। इंशाल्लाह जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें ये सिंबल जो है बल्ले का वो पीटीआई का ही होगा। नेक्स्ट डेट जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसकी वैलिडिटी को देखने के लिए, उसकी लीगैलिटी के वो कानून के मुताबिक हैं कि नहीं, उसके लिए तारीख 30 तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो ये उसकी समाअत चलेगी। लेकिन जहाँ तक ये नोटिस है वो आज खारिज हो गया। जून 2022 में करा दिए थे, अपने 2019 के आइन के तहत कराए थे, और जो इलेक्शन है उसको हमने विड्रॉ नहीं किया। एक स्टेटमेंट दी थी हमने कि 2022 वाली जो आइन है उसमें कुछ तरामीम जो हैं उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन और जो 2019 की आइन है उसकी अमेंडमेंट को कभी विड्रॉ नहीं किया, ना हम कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना ऑर्डर था इसके बेसिस पे विड्रॉ कर लिया, नोटिस जो था उसको विड्रॉ कर लिया, ये कह के कि हमारा बयान नोट कर लेंगे एफिडेविट में जिसमें हमने ये कहा है।